साथ जोर की सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा की सभा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, उम्मेदाराम जी, हमारे हरदाराम जी चौधरी गुड़ा मलानी से, भाई थान सिंह उपस्थित, यहाँ की कार्यकारिणी बाबूलाल जी सारण पाली के हमारे शेष संयोजक है, थानाराम जी ताडा, गिरधर जी साहू, इमताराम जी पापड़ा, लक्ष्मण जी पापड़ा, सोनाराम जी गोदारा, बीरमाराम जी सियोल, नगाराम जी पुरोहित, गौतम जी सुथार, अनवर खान, हनुमान जी गर्ग, सम्मानित मंच, हमारी बेटियां जो इस साइड में बैठी है, और प्रिया सिंह मेघवाल तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, छोटे भाई गजेंद्र, और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित, सम्मानित मंच, और जिन्होंने पार्टी परिवार को ज्वाइन किया, संघर्षशील नेता बसंत जी प्रजापत, राम राम कर लो, और भूमा राम जी राजनट पूर्व प्रधान रानीवाड़ा, इनका पार्टी परिवार के अंदर स्वागत है। मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, सांचौर आते आते अक्सर मैं लेट हो जाता हूं, पिछली बार भी बहुत लेट हो गया था, लेकिन आपने कहा ना, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मजबूती के साथ आप लोग डटे रहते हो। काश मैं समय पे आता तो बहुत लोग इस सत्ता संकल्प यात्रा को शहर में देखते, इसलिए रात को स्टे यहाँ करके और सुबह शहर के अंदर से होता है, सबको अभिवादन सबका करते हुए मैं सांचौर से जाऊंगा। अभी ये सड़क बनी बताओ मुझे, अभी पिछली बार मैं आया जब कह रहा था, मैंने कहा सड़क बन गई क्या, बोले बन गई, तो अभी फिर टूट गई वापिस, ये सही है? ये पूरे राजस्थान का ही हाल है, ये गहलोत वसुंधरा का ऐसा गठबंधन राजस्थान के अंदर बना 25 साल में, जिसमें 15 साल 20 साल तो आपको पता ही नहीं लगा, वो तो अशोक गहलोत की पता नहीं कैसे आत्मा के अंदर ये बात आई और खुद ही बोल गए कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, बोला कि नहीं बोला? तो जो मिला जुली का खेल के मैं आरोप लगाता था 2009-10 के अंदर, जिसको लेके बीजेपी से मुझे बाहर निकाला, वो सच्चाई मुख्यमंत्री ने स्वीकार करी। भाइयों, इतना भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री विधायक हत्या लूट बलात्कार, आप देखिए जिनको सीएम ने जिद कर ली नहीं हटाया उन लोगों को, और बीजेपी विपक्ष में नहीं है, सो रही है भारतीय जनता पार्टी, बयानवीर बीजेपी के बयान देते हैं बड़े बड़े, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और दूसरे दिन वापस स्विच ऑफ कर लेते हैं, अखबार में कैसे छपे, मीडिया में कैसे आए। हमारी दरियावद की आदिवासी बहन को जब निर्वस्त्र करके गांव में घुमा दिया, मणिपुर की हिंसा जिसमें महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया पूरे देश के अंदर, बदनामी, हम लोकसभा के अंदर हमेशा चीखते थे, कांग्रेस पार्टी भी चीखती थी, मैं ये कह रहा हूं यहां क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, यहां तो उनकी सरकार है, और 3 दिन बाद किसी बीट कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया, एसएचओ को लाइन हाजिर नहीं किया। आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, बीट गांव के अंदर ध्यान रखता है, एक एक नई बात पुलिस के पास रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से, 3 दिन बाद पता लगा, और 3 दिन बाद पता लगा मुख्यमंत्री जी ने जिद कर ली कि मैं कुछ नहीं करूं, कुछ मुआवजे घोषणा कर दी, आजकल सिस्टम बन गया, फैशन हो गया, लोग लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ मुआवजा ही चाहते हैं, ये सही बात है गलत बात? लास्ट में बात कहां टिकती है? मुआवजे पे आपकी। बहुत लड़ाई लड़ी मैंने राजस्थान के अंदर, लोग पता नहीं पहले के जमाने में दुश्मनी होती थी गांव के अंदर, किसी मुद्दे की लड़ाई होती थी, आजकल ऐसा है जो पार्टनर है साथ में और पड़ोसी है वही सबसे बड़ा नुकसान करा, विरोधी से आपको कोई खतरा नहीं। ये कलयुग है, ये कोविड के बाद ज्यादा स्थितियां खराब हो गई,
लोगों का लग रहा है वैक्सीन के साथ दिमाग खराब करने का वो अंदर चला गया इंजेक्शन के मार्फत से। कितना दिमाग खराब है लोगों का बताएं मुझे। उस जो बीजेपी ये घटना हुई दरियावत की, अमित शाह का कार्यक्रम था बगल में, हम लोगों को लगा कि गृहमंत्री राजस्थान में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां उस महिला से मिलने उसके घर जाएंगे उस परिवार से, जिक्र तक नहीं किया। और प्रियंका गांधी आई टोंक के अंदर, वो आती यहां पर रणथंभौर बाग देखने के लिए, घूमने के लिए आती रहती राजस्थान, टोंक के अंदर जिक्र नहीं किया कि एक बेटी की स्थिति राजस्थान में क्या हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके भाषण देगी। भाइयों ये मिलाजुली का खेल नहीं, दौर क्या मुझे बताओ बरा, इस स्टेट के अंदर या देश के अंदर मिलाजुली का खेल है पूरा पूरा। दो तीन दिन तक कोई चीज नहीं चलती है, उसके बाद उसको पुराना कर दिया जाता उस चीज को। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने सत्ता को ठोकर मार के 2003 से लेके 2023 पूरे 20 साल हो गए, और 10 साल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर किसान के बेटों की सेवा की। जब मैं राजस्थान विद्यालय के अंदर पढ़ता था, मेरे जिले के तो वोट ही बहुत कम थे, जालौर के तो कोई एकाध कोई होगा, जयपुर पढ़ता को समझ, हमारे जिले के ही 70-75 बोर्ड थे यूनिवर्सिटी की कह रहा हूं, और कॉलेज में थे प्राइवेट कॉलेजों के अंदर। शेखावाटी के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते थे, भरतपुर के और अलवर और दूसरे इलाकों के राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तब का और अब का आप अंतर देखो, हम आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खूब आगे गए हमारे बच्चे, नौकरियां भी खूब लग रही है, नौकरियां तो लग रही है लेकिन सारे पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये पता है कि नहीं पता सांचौर के अंदर आपको, बात सांचौर में ज्यादा पता होगा आप लोगों को, हर पेपर लीक, हर पेपर आउट। तो भाइयों कहां भरोसा रहा मुझे बताओ आप। और बीजेपी क्या कर रही है, दो दिन बयान दिया, तीसरे दिन बंद। हमारे आरएलपी के तीनों विधायक है, जब सदन चलता है तो मैंने इनको कह रखा है कि अपने को कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपना मकसद है कि सत्ता के खिलाफ लड़ना, देश में मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ मोदी के खिलाफ नारे लगाता हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं। और विधानसभा के अंदर मेरे तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाते, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, कांग्रेस के साथ नहीं हूं। ये देखिए ये राजधर्म है, ये निभा रहे आरएलपी पार्टी वाले। जब कोई नहीं बोलता किसी मुद्दे पर, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, कांग्रेस बीजेपी के दर्जनों मंत्रियों और विधायकों के आपस में बिजनेस पार्टनर है, धंधा चलता। आजकल लोग राजनीति में क्यों आते हैं, बिजनेस करने के लिए। मेरे साथ कहो कि कौन कितना चोर बेईमान निकम्मा निकृष्ट है। जब तक कुएं खाड वाली स्थिति नहीं होती, कुएं खाड में थोड़ी दिक्कत हो जाती, कई बार डबल भी काट की हांडी चढ़ जाती है, लेकिन कुएं खाड की स्थिति नहीं, तो आप रगड़ दो दोबारा, ये तो तय है। लेकिन दो बार दो देखते हो कि दोनों में तुलना करो कौन ठीक है, तब आकर बढ़ने दे यार इससे दिए ठीक है, पहले वाले को पड़ा रहने दो। ये करते हो राजस्थान के अंदर कई जगह मैंने देखा आप लोग। बाकी करीब करीब सोशल मीडिया के बाद जागरूकता राजस्थान और देश के अंदर बढ़ी, आप में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कुछ वोट ऐसा है जो तय करके बैठा है, वो टोल भी देगा, थाने में अपनी बेइज्जती भी कराएगा, वो इंसल्ट भी कराएगा, 5 साल बकवास करेगा, और जैसे ही वोट देने जाएगा उसको कमल का फूल हाथ ढूंढेगा अंदर, हाथ किधर है कमल का फूल, उनका काम है ये, वो इसके लिए बने हैं। वो वोट भी डालेंगे, वो कह रहे 100 प्याज और 100 जूते, दोनों को 100 जूते भी खा गए 100 प्याज भी। ऐसे लोग हैं जो चिन्ह पे वोट डालते हैं, और भाइयों अगर चिन्ह पे वोट नहीं डालते तो राजस्थान इतना कमजोर, कितने गीत गाते हैं ये धरती सुरहरी वीरहरी, तो भी क्या 70 साल में सुरवीर आए ना क्या राजस्थान के अंदर, किसी पार्टी नहीं बनाई, कहां चले गए सुरवीर बताओ मुझे। पार्टी बना के आपके बीच सत्ता संकल्प लेके ये रथ लेके मैं खड़ा हूं ना, तो बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी के रथ में कोई अंतर नहीं है, कांग्रेस वाले शायद रथ नहीं लाए, लाए थे क्या इस बार, हाँ बीच उनके पास तो हेलीकॉप्टर चार्टर वगैरह उससे घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो रथ है वो एक रथ नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा रथ है, अलग अलग यात्रा चल रही है, बारात सजी हुई है, दूल्हा कौन है तोरण पे कौन आएगा अभी पता नहीं है बीजेपी के अंदर। कांग्रेस की तो बारात तोरण पे जाने से पहले झगड़ा हो रखा बारात के अंदर, मनाने में लगे हुए कि क्या करें क्या नहीं करें। एक व्यक्ति सांचौर में खड़ा है, वो वोट के लिए नहीं खड़ा है, वो चाहता है कि मैं व्यवस्था बदलूं राजस्थान की, मैं सेकंड पीढ़ी के जो नेता है उनको तैयार करूं, वंशवाद खत्म करूं,
मैं जैसे ही भाषण देता हूं तो कांग्रेस बीजेपी से आरोप आते मेरे ऊपर, आपने अपने भाई को एमएलए कैसे बनाया। वो इसलिए बनाया कि अगर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गुलामी तो करनी है और क्या करनी है भाई। दो तरह के लोग होते हैं, या तो खुद ताकतवर बन के जनता का प्यार आशीर्वाद भाई और अपना झंडा लेके निकल पड़े, जैसे मैं निकला हूं राजस्थान के अंदर, और या वो नतमस्तक होके टिकट की कतार में खड़ा हो। तो मैंने कहा भाई आप टिकट, आपको मेरे से क्या दिक्कत है वैसे बताओ, मैं वोट तो दिला सकता हूं ना। बोले हां वोट तो आप दिला सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या बताओ ना, सचिन पायलट तो उम्र में मेरे से छोटा है, जब तुम उसके आगे प्रणाम करते हो तो मैं तो तुम्हारे समाज का हूं, तुम्हारा भाई हूं, उससे बड़ा हूं, तो मेरे आगे भी प्रणाम कर लो। प्रणाम तो करना तुम लोगों को, और करना क्या है, और कौन था, तुम खुद कोई पार्टी बनाकर कोई सुप्रीमो बनोगे, नहीं बन सकते। बोले साहब आपके यहां गुलामी करने में दिक्कत है, सचिन की तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ चल रहा तो देख रहे हो, आप देख नहीं रहे हो सारी बात। ये जो मैं कह रहा हूं एक एक चीज वही कह रहा हूं जो हो रहा है यहां पे भाई। पायलट के पिताजी की पड़ी हुई मिली उसको, सचिन पायलट के पिताजी बड़े नेता थे किसानों के, मिल गया उनको सब कुछ। मैं तो दो बार मदद की सचिन पायलट की, दुर्भाग्य देखिए अगर वो आ जाते साथ में तो आज राजस्थान की तस्वीर तकदीर दूसरी होती। एक मैं अकेला लड़ रहा हूं, एक मिलके लड़ते दोनों, एक और आ जाता तीन हो जाते, गुजर मीणा जाट मेघवाल मुस्लिम माली, ये बन गया समीकरण राजस्थान का। लेकिन कहां से बन जाता है, कोई आना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात कि आना इसलिए भी नहीं चाहते कि हम दूसरे को तो नेता मान लेंगे, कई लोग कह रहे हैं ये हनुमान जी को नेता नहीं मानेंगे। एक नेता की बात हुई मेरे से, मैंने कहा साहब आप आओ पार्टी ज्वाइन करो, आपका मान सम्मान है, बीजेपी के अंदर लंबे समय तक आप रहो, आपको धुतकारा पार्टी ने, बेइज्जत किया आपने, वहां बेइज्जती कराई आपकी। बोले मैं आ तो जाऊं लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं क्यों, किस बात का, कि बोला आपका भरोसा नहीं, चलते चलते गाड़ी से कह दो गेट आउट, चलो यहां से। मैं कैसे थोड़ी कह दूंगा, मैं कैसे कह दूंगा, आप उम्र मेरे से बड़े हो, कोई गलत काम करना मत, गलत करोगे तो तय है पार्टी से बाहर, और सही करोगे तो मान सम्मान। क्यों मान सम्मान नहीं किया, हरदाराम जी आए ना मेरे साथ, अभी हरदाराम जी एमएलए थोड़े ही है, हरदाराम जी चौधरी को लाया ना, रथवई तो है साथ में। हम ये भी चाहते हैं, ये जितने छोटे भाई मुझे बताओ, इन्होंने ट्रेनिंग आरएलपी पार्टी के अंदर ही ली है, ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिनको मंच भी मिलता है, भाषण देने का मौका भी मिलता है, और गलती से कोई केस मुकदमे में फंस जाए तो उनको बाहर निकालने वाला नेता भी खड़ा है साथ में। आप चिंता करने की जरूरत नहीं राजस्थान के, लेकिन कोई गलत काम ज्यादा करके मत आना, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। हर कोई कहता है पैसा बदली करा दो, अरे आपकी तो चलती होगी, मेरी नहीं चलती, मैं मोदी को छोड़ चुका, क्या आपके सामने मोदी क्या है, मैं तो पागल हो रहा, मोदी तो प्रधानमंत्री है देश का, मैं तो एमपी हूं। अब लोग पता नहीं कितना मानते, बस आप दे दो लिख के, आपको सब करा दोगे, आप ही करा दोगे सबको। मैं उनको टैकल करना बड़ा टेढ़ा है बच्चों को, टैकल कर रहा हूं उनको। हाँ मैं करा देता काम, अगर तीनों कृषि बिल नहीं आते तो मैं भी मोदी और इनके नजदीक था। कृषि बिलों के सामने मेरे सामने एक ही संकट था, या तो मैं मेरे भाइयों के साथ रहूं और या मेरे भाइयों की गालियां खाऊं विरोध में रहूं, एक ही काम था। तुम टिक जाते सोशल मीडिया में दस तीन दिन चार दिन लग जाते गालियां गालियां जब तुमने कहा हनुमान जी उठो जागो किसानों के लिए बाहर आओ, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई किसान का बेटा है उत्तर भारत का, तो नागौर का सांसद था परोची थाली को ठोकर मारी। बाकी लोग छोटे से मंत्री के लिए क्या क्या कर लेते हैं, आपको पता मंत्री पद के लिए लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं, ये तो इतिहास पढ़ लो ना कि राजाओं ने क्या क्या कर लिया। जब बड़े लोग आए हमला करने, किसने राखी बांध दी, किसी ने बहन बेटी दे दी अपनी, दीख नहीं दी, तो प्रदेश में चला, देश के अंदर चला, परंपरा थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आपको बेचा नहीं, सड़क पे आ गया, वापस सड़क पे आ गया, 3 से 19 और 19 से 23 राजस्थान की सरकारों से लड़ा, दिल्ली की सरकार से लड़ा, जिद्दी वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया कि गहलोत ने जिन जिन किसान नेताओं को घर बिठाया उन सबका बदला एक साथ राजस्थान में ले लिया, क्योंकि उन किसान नेताओं के बच्चों में बदला लेने की हिम्मत नहीं थी, न उनके बच्चों में हिम्मत थी, न उनके पोतेड़ा के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते। हम 3 विधायक एक सांसद हैं, परिवार बड़ा, 4-5 प्रधान है, एक म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन है, लेकिन मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कब कौन सा छोड़ के भाग जाएगा, ये भी चिंता रहती है मुझे, तो परिवार के अंदर चिंता रहती है, परिवार के अंदर बच्चे अलग नहीं होते, कहीं नाराज भी हो जाते हैं।
मैं उनको ही रखवाली करता रहता हूं। मुझे लग रहा भागेंगे एक दो, उनका मन हो गया। और जब मन हो जाता है तो व्यक्ति भागता है। यहां बच्चियां बैठी बात करना ठीक नहीं है। एक बार मचबची आती है तो फिर आपको पता है सारा वहां जाना ही पड़ता है। तो ये जिनको भागने के मन में वो पक्के भागेंगे, लेकिन भागेंगे उनके भाई दूसरा आ जाएंगे। ये तो धरती का सिस्टम आप जानते हो, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। जब मैं नहीं था कोई और था, अब मैं आ गया वो चले गए, मैं नहीं तो तीसरे आ जाएंगे। ये मंच पे बैठे हैं सारे। ये मैं इतना ही एक चीज मैं कहता हूं कि मेरे पास ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति अगर मुझे समझ नहीं पाया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है। और मेरे से अच्छा नेता उनको मिल नहीं सकता। हाँ एक चीज कमी है मेरे अंदर, थोड़ा डांड डपट देता हूं। कोई मेरे से आगे निकलने की कोशिश करता नहीं हूं, पीछे मेरे से आगे थोड़ी निकलेगा। मैं ऐसे ही थोड़े हनुमान 25 साल होगी लड़ते लड़ते भैया, जानता तो नहीं साइकिल चला के और बकवास करके मैं तो आगे हूं धक्के मार के। 4 दिन साथ रह के बोले हनुमान जी फीलिंग लेते हैं हनुमान बनने की, वो फीलिंग या नहीं ले सकता। या मेरी इच्छा के बिना कोई खाना भी नहीं खा सकता किसी से। ये ईमानदारी है यहाँ पे। खाना भी उमेश जी कह रहे थे खाना खाने के लिए सुबह से, मैंने कहा किसके क्या होगा, तय नहीं कर सकते ऐसे कि हनुमान जी को चाय जहां खाना खिला दे चाय जहां चाय पिला दे, पूछना पड़ता पहले। ये तो आनंद है इस बात का, तभी तो पार्टी नहीं बनाई मैंने। अभी आपके मंत्री है सुखराम जी, अभी गहलोत का फोन आ जाए तबियत खराब हो रातों रात जाना पड़ेगा। बॉस कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत का फोन आ जाए राहुल गांधी का, ये नहीं क्या घर में काम है अभी आया तो कैसे आना। लेकिन मेरे यहां फोन नहीं आ सकता किसी का। हाँ आप अगर तकलीफ में हो तो मुझे आना पड़ता है। कोशिश करता हूं, पहले मेरे विधायकों को भेजता हूं, जब इनसे मामला नहीं संभलता है तो मैं खुद आता हूं। लेकिन मैं कैसी कैसी लड़ाई लड़ रहा हूं आप देखो। कई जगह हम जाते हैं कोई बॉडी लेके बैठते हैं, उस बॉडी की रखवाली हमें करनी पड़ती है और शाम तक पता लगता है परिवार वाले सेटिंग करने में लगे पुलिस वालों, जल्दी जल्दी करो। और हमें और कहते हैं साहब देखो अंधेरा पड़ रहा है, फिर दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी लेके बैठने के लिए किसने कहा? ऐसे कोई सरकार झुकती है क्या? देखो ये लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, सैकड़ों लड़ाई लड़ी, उनका ध्यान भी रखना, बॉडी भी खराब नहीं होने देना और सरकार को झुकाना और पैसे भी दिलाना। ये कर सकता है ऐसा कोई काम राजस्थान का? है कोई सूरमा राजस्थान का? नहीं है भाई। एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है। आपके यहां पिछले दिनों जिस तरह लक्ष्मण देवाची की दिन दाड़े हत्या हुई, यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, यहां से 400 मीटर 300 मीटर दूर हत्या होती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना, छोटी सी बात को लेके कत्ल करवा देना साथ के लोगों का। मैंने तुरंत ट्वीट किया, बात की डीजीपी से, सब लोगों से, कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं शायद और बचे हुए हैं, वो कई बिल में छुपे हो, वो सारे गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना विश्वास मैं दिलाता हूं कि इस राजस्थान के अंदर अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, किसी जाति को अपराध करने की छूट नहीं। मेरी जाति के लोग भी अगर अपराध करते हैं, हम नेता को देख लें, हरियाणा के किसी यूपी के नेता को देख लें, अपने एकदम से सोचें कि सांचौर हरियाणा पंजाब या उत्तर प्रदेश बन जाएगा, नहीं बन सकता, अभी समय लगेगा। उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आजादी से लेकर अभी तक, और हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी जो लड़ाइयां हैं उनको जेन में रखनी है और हमें सही दिशा के अंदर चलना, सारे भाइयों को साथ लेना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस जाति के साथ बाहुल्य होता है वो जाति आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कौमों को साथ लेके भी आगे बढ़े। आज हमसे भी लोग राजस्थान में नाराज है, मेरे समाज के साथ। अगर शेड्यूल कास्ट आ जाए राजस्थान में, मुस्लिम आ जाए, 150 सीट आ गई, फिर जरूरत कहां है बताओ मुझे? 150 आती आती कि नहीं आती? लेकिन हम प्रयास अच्छा का करते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं पीछे से कटिंग भी करते रहते हैं, वो भी लोग हमें ही कहते हैं अरे भाई थारला गड़बड़ करेगा बटिन तू ओढ़वा हम लोगों का। अच्छा ही दूसरों की बुराई जो नेतागिरी करता है या समाज की बात करता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उलाना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा इलाका आपका जालौर का, लेकिन थोड़ा सा पिछले 7-8-10 साल के अंदर बाड़मेर जालौर में जिस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ अपराध की रास्ते पर चल रहे हैं। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर हम नशे की प्रवृत्ति में इस तरह डूब जाएंगे तो देश की रखवाली कौन करेगा भाई? रखवाली आप में से तो लोगों को करनी होगी,
कौन हमारे इन इन बच्चों की, दूसरी जातियों की, जो छोटी हमारी जातियां, जो शोषित पीड़ित पक्ष है, कौन उनकी रखवाली करेगा? इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और हम जब आगे आके पीछे की ओर जा रहे हैं तो बड़ी विडंबना है। ये ऐसे जो भी करते थे स्टेट के अंदर हुए, हमेशा मैंने उनका विरोध किया और प्रयास यही किया कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसे लोकतंत्र में खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिले, अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, अपराधी जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी में रातों रात भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखेगा। अफरा तफरी मच जाएगी अपराधियों के अंदर, ऐसी अफरा तफरी मचेगी, कोई कहेगा मैं जल्दी भागूं और वो कहेगा मैं जल्दी भागूं, और इसके जल्दबाजी के चक्कर में कई उलझ भी जाएंगे आपस के अंदर, मैं ये भी बता दूं आपको। तो भयमुक्त अपराध मुक्त अगर राजस्थान चाहते हो, आप चाहते हो कि अबला किसी बहन की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए कर्जे के बोझ के तले, कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसी किसान के बेटे के हाथ में कलम की जगह बंदूक नहीं हो, वो नशे का आदि नहीं हो, बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी छात्र को इसलिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि कोचिंग संचालक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, वो कह नहीं पा रहा है कि नंबर कम आ जाते हैं और जानबूझ के बच्चों को फेल करवा दिया जाता है। भाइयों, अगर इन सब चीजों से चाहते हो कि हमें छुटकारा चाहिए, टोल नहीं देना है, बजरी हमारे खेत के अंदर निकलती है, उस बजरी जिसके खेत में बजरी है, चाइना क्ले, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन और जिप्सम है, उसको अधिकार मिले, उसको छोटे पट्टे मिले कि अपने खेत के अंदर वो बजरी भी निकाल सके, लाइम स्टोन भी निकाल सके, जिप्सम भी निकाल सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सारा सारा निजीकरण कर रही है। ये बीएसएनएल देख लीजिए आप, बीएसएनएल मिलता ही नहीं फोन, मेरे पास बीएसएनएल है इसलिए नहीं मिला, मोदी जी ने इसको बेचने की तैयारी कर ली, सारा नेटवर्क खत्म। कहीं उमेश जी बता रहे उल्टा घुमा दिए कहीं पे, तो पकड़े कैसे, नेटवर्क नहीं पकड़ता। तो इतने